गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमार। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अपन ने आर्टिकल्स के दो पार्ट अपन ने पढ़ लिए। ए और एन का यूज चल रहा था। आज अपन ए और एन के यूज को क्या करेंगे, स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। अपन देखेंगे कि कहाँ पर ए और एन का यूज नहीं होता है, वो वाली सिचुएशन अपन क्रिएट करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच सकें। ठीक है, आओ बेटा, देखते हैं अपन कैसे क्या यूजेज होते हैं। तो आज जो मैंने लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिख दिया नो यूजेज ऑफ ए और एन। ए और एन के कोई यूज नहीं करने हैं। कहाँ यूज नहीं करना है वो अपने को देखना है कि ए और एन का यूज कहाँ पे नहीं होता है, वो अपन देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल मैं आपको बना दूं, बोल के बता दूं तो भी बढ़िया रहेगा। मैं बताऊं, एक तो प्रॉपर नाउन से पहले अपन क्या नहीं करते हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा, यहां मैं लिख रहा हूं बिफोर प्रॉपर नाउन से, बिफोर प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से पहले अपन क्या नहीं करते, ए और एन का यूज नहीं करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, प्रॉपर नाउन आपको बता दूं, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं आई मेट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, राम एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप यहाँ पर ए राम नहीं कर सकते हैं, आई मेट ए राम, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऐसे ही मैं बोल दू आई वेंट टू, ब्लैंक दे दिया कोटा, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर यस्टरडे। आई मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर कोटा भी क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर नाउन है, स्थान का नाम है, तो यहाँ पर भी अपन क्या नहीं करेंगे, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मैंने प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन कहाँ यूज होता है यह आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था कि किसी, ठीक है, मैं बोलूँ छोटे आदमी की तुलना अगर किसी जाने पहचाने व्यक्ति से की जाती है, उस जाने पहचाने व्यक्ति के नाम से पहले ए लगाया था, एन लगाया था। ऐसे ही अपन ने एक अननोन, ठीक है, अननोन व्यक्ति के लिए भी अपन ने क्या किया था स्टूडेंट्स, ए और एन का यूज किया था। मैंने कहा था दिस बुक इज रिटन बाय मनीष, याद होगा आप लोगों को, तो वो तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। लेकिन याद रखें, प्रॉपर नाउन से पहले और किसी कंडीशन में ए और एन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट मेरा आ जाता है साहब, जो अपने प्लूरल नाउन्स होते हैं, कौन से नाउन स्टूडेंट्स, जो अपने प्लूरल नाउन्स होते हैं उन प्लूरल नाउन्स के साथ भी ए और एन का यूज नहीं होता है। ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। मैं यहाँ पर बोल दूँ, ठीक है, चिल्ड्रन, मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, क्या आप चिल्ड्रन से पहले ए लगा सकते हैं, क्या आप चिल्ड्रन से पहले ए और एन में से कोई सा ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर अपन किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऐसे मैं लिख दूं यहाँ पर बॉयज, मैंने लिख दिया आप यहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, कि प्लूरल के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, अगली बात आती है साहब बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अपने जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले भी अपन क्या नहीं करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करूं तो मैंने आप लिख दिया ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट को काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं लिख दिया वोटर, क्या आप वोटर को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर ए और एन का क्या नहीं करेंगे, अपन यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अपन, ठीक, क्या नहीं करते हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट अगर सिचुएशन आपको कुछ ऐसी दे दी जाए, ठीक है, गुड ब्रेकफास्ट, अगर आपको ऐसे दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, बहुत अच्छा रूल बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा दिया हुआ आ रहा है कि सॉरी गुड ब्रेकफास्ट, अगर आपको ऐसा दिया हुआ आता है तो यहाँ पर आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो मैं समझा देता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव दे रखा हो, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दे रखा हो, तो उस एडजेक्टिव के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। अपन बोल सकते हैं गुड ब्रेकफास्ट फास्ट, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। ऐसे ही मैं बोलूं ग्लास ऑफ वाटर, अगर आपको ऐसा दिया हुआ आ रहा है तो भी आप
ए और एन का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर, तो एक ग्लास पानी है, ठीक है। यहाँ पर ग्लास अपने को दिया हुआ आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट से, ग्लास ऑफ ए वाटर। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात, है ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे ही मैं बोल दूं इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, लेकिन मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं बोल दूं ऐसे ही, ठीक है, गेलन और यहां लिख दिया गैस। ध्यान दें मैंने क्या लिखा है, सॉरी गैलन है, गैस। इतना ध्यान देना है अपने को कि देखो गैस अनकाउंटेबल होती है, लेकिन जब मापने की इकाई आ रही हो, गैलन क्या होता है बेटा, गैस वगैरह को मापने की इकाई को अपन क्या बोलते हैं बेटा, गैलन ही बोलते हैं। अपन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 2 किलो गैस देना, ऐसा नहीं होता है, गैस को गैलन में मापा जाता है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ए और एन का यूज कर सकता हूँ। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर कोई वर्ड दिया हुआ आ रहा है, कोई एडजेक्टिव दिया हुआ आ रहा है, तो उस सिचुएशन में अपन ए और एन का यूज कर सकते हैं, अदर सिचुएशंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करके थोड़ा आगे और बढ़ जाता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दे अच्छे तरीके, समझ में आएगा आपको। आगे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मेरा जो रूल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा वो भी देखें आप, कि मान लो कि आपको क्या दिया हुआ आता है, आपको दिया हुआ आ रहा है साहब यहाँ पर काइंड ऑफ, क्या दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट से, काइंड ऑफ दिया हुआ आ रहा है, सॉर्ट ऑफ दिया हुआ आ रहा है, टाइप ऑफ दिया हुआ आ रहा है, और वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ आ रहा है। और अगर इसके बाद में कोई नाउन आता है स्टूडेंट्स, क्या आता है साहब, कोई नाउन आता है, तो ध्यान रखना इस नाउन से पहले कभी भी क्या नहीं करेंगे अपन, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, मैंने लिख दिया काइंड ऑफ, ये मैंने लिख दिया क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर, काइंड ऑफ, और ये मैंने लिख दिया साहब गर्ल, ऐसा मैंने लिखा है, समझने की जरूरत है। मैंने क्या कहा था, काइंड ऑफ, वेराइटी ऑफ, टाइप ऑफ, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले ए और एन का यूज अपन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा मैं, ये याद रखना, यहाँ पर नो आर्टिकल रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल और बन जाता है, वो रूल क्या बोलता है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ से के बाद में जो नाउन आता है, अगर उस नाउन की प्रोफेशन की बात की जाती है स्टूडेंट्स, किसकी बात की जाती है, प्रोफेशन व्यवसाय की बात की जाती है कि व्यक्ति क्या व्यवसाय करता है, इस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ए और एन का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ए और एन का यूज, सॉरी प्रोफेशन बताने के लिए ए और एन का यूज नहीं होता है, किसी व्यक्ति की दक्षता बताने के लिए, क्या बताने के लिए स्टूडेंट, दक्षता, दक्षता आप जानते हैं, ठीक है, एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए अपन ए और एन का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट डाल के लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहेगी बात। लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर कैपेसिटी, ठीक है, जिसको अपन क्षमता बोलते हैं, और ऐसे ही मैं बोल दूँ प्रोफिशिएंसी, दक्षता, निपुणता ही बोलते हैं इसको, दर्शाने के लिए स्टूडेंट्स, दर्शाने के लिए ए और एन का यूज करें। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, मैंने लिख दिया व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज शी, देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, वो टाइप ऑफ गर्ल इज शी, वो कैसी लड़की है, मतलब यार किस प्रकार की लड़की है, बड़ी अनोखी कैपेसिटी वाली लड़की है, बड़ी ही प्रोफिशिएंट गर्ल है, बड़ी ही, ठीक है, निपुण लड़की है। दक्षता का मतलब निपुणता भी लिख सकता हूं अपन, जैसे मान लो कोई जीवे में कोई काम कर लेता है 100 किलो बोझ उठा लेता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वाह यार क्या आदमी है, क्या आदमी है का मतलब है इसकी क्या
कैपेसिटी है, तो इस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ है, ठीक है, और काइंड ऑफ, सोर्ट ऑफ और वेराइटी ऑफ के बाद भी क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख दू, वोट टाइप ऑफ ब्लैंक दे दू और यहां पे लिख दू गर्ल इज शी, वोट टाइप ऑफ गर्ल इज शी, अगर मैं यहां पर ए और एन नहीं लगाऊं तो इसका मतलब क्या होगा कि इस लड़की का जो व्यवसाय है वो कौन सा है, मतलब ये लड़की किस प्रकार का व्यवसाय करती है, इसका मतलब ये निकलेगा। तो जब आपको व्यवसाय की बात करनी हो तब तो आप नहीं लगाएं, ठीक है, और जब आपको किसी व्यक्ति की कैपेसिटी का पता लगाना हो, प्रोफिशियंसी का पता लगाना हो, तो ए और एन का यूज कर लेते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन आप ध्यान रखें, ये ध्यान रखना है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले ए और एन नहीं लगता है, कौन सी सिचुएशन में लगता है वो आपके सामने है, कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट रूल बनता है वो और भी इजी होता है। देखिए आप अगला रूल मैं लिख देता हूं यहां पर, कई बार आपने वर्ड देखे होंगे जैसे लिखा होता है पोस्ट ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ, क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, ऐसे स्टूडेंट्स लिखा हुआ आता है पोजीशन ऑफ, क्या लिखा होता है पोजीशन ऑफ, ऐसे लिखा होता है टाइटल ऑफ, क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स, टाइटल ऑफ। तो मैं बता देता हूं कि इन सब के बाद में जो नाउन आता है, इन सब के बाद में जो नाउन आता है वहां पर अपन ए और एन का यूज नहीं करते हैं। मैंने क्या लिखा, द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले कभी भी अपन ए और एन का यूज नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने 11th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास में आपने खूब पढ़ा है कि आपने पढ़ा है कि साहब पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, आप बोलते हैं ए क्लर्क, तो वो रॉन्ग है बेटा, ध्यान रखना। वहां पर आप कंपोजिशन पार्ट में ले जाते हैं, वहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात ग्रामर की होती है तो ग्रामर में ध्यान रखना कभी भी क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में नाउन से पहले क्या नहीं होता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। मैं बोल दूं यहां पर आई अप्लाइड, ध्यान दीजिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ये मैंने लिख दिया, तो यहां पर आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, द पोस्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन में ए और एन का यूज नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ए और एन तो हम लगाते हैं इतने बड़े हो गए लगाते हुए, लेकिन बेटा अगर आप लगा रहे हैं तो आपका रोंग आगे से मत लगाने से सेंटेंस रोंग हो जाएगा। तो आई होप ये रूल आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आज अपना जो है ना फटाफट हो जाएगा आर्टिकल ए और एन का यूज। फिर कल अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स किसके बारे में, द का यूज पढ़ेंगे। अब थोड़ा आगे और बढ़ जाता हूं मैं, और अब एक अगला रूल में क्या बोल देता हूँ स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव्स, अकेले एडजेक्टिव के लिए क्या नहीं होता है, कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता है। अकेले एडजेक्टिव के लिए कभी भी ए और एन का यूज स्टूडेंट्स अपन नहीं करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर बोल दूं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, केवल एडजेक्टिव्स से पहले, ये तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं यहां पर बोल दूं शी इज ऑनेस्ट, ध्यान दे समझ में आएगा, शी इज ऑनेस्ट, यहां पर अगर मैं ए लिख दूं तो रोंग है, यहां पर मैं ए लिख दूं तो रोंग है, इसी इज ए ऑनेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे लिखूं शी इज ऑनेस्ट और यहां पर मैं लिख दूं गर्ल, ध्यान दे, देखो दोनों सेंटेंस समझने की जरूरत है, यहां पर भी ये एडजेक्टिव है और यहां पर भी क्या है साहब एडजेक्टिव है। शी का गुण बताया जा रहा है, शी की विशेषता बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है कि वह क्या ईमानदार है, और यहां पर मैंने क्या लिखा है सेंटेंस में कि वह एक ईमानदार लड़की है। तो देखो यहां पर ओनेस्ट एडजेक्टिव तो दे रखा है, लेकिन ओनेस्ट के बाद में क्या आ रहा है बेटा, गर्ल आ रहा है, तो ये ओनेस्ट क्वालिफाई किसको कर रहा है, गर्ल को कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या लगा सकता हूँ, एन का यूज कर सकता हूँ, ए और एन का यूज कर सकता हूँ, लेकिन अकेले एडजेक्टिव के लिए कभी भी क्या नहीं होगा, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैं यहां पर बोल दूं ही इज, और मैं यहां पर बोल दूं साहब आपको इंटेलिजेंट, ये मैंने लिख दिया, और एक सेंटेंस मैं ऐसे ले लूं ही इज
इंटेलिजेंट, देखो बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा, इंटेलिजेंट बॉय, इतना मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा है, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। देखो यहाँ पर अकेला एडजेक्टिव आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इस सिचुएशन में ए और एन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को कर रहा है, अकेला नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अपन ए और एन में से सूटेबल जो होगा उसका यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना रूल क्या बनता है स्टूडेंट्स, वो भी आप देखें। नेक्स्ट मेरा रूल बनता है स्टूडेंट्स कि बिफोर, सॉरी, या सीधा बोल दूं कि जैसे मान लो कि आपको क्या दिया हुआ आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव आपको दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ आ रहा है आपको, पजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ आ रहा है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, माई, योर, आवर, ठीक है, देयर, ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, मान लो इन इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में मान लो बेटा जी क्या आता है, कोई नाउन आ रहा होता है, क्या ना क्या आ रहा होता है, नाउन आ रहा होता है। ठीक है, तो उस नाउन से पहले ए और एन अगर आप लगाते हैं तो वो आपका रोंग है। मैंने क्या लिखा है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो उस सिचुएशन में अगर आप ए और एन लगाते हैं तो आपका रोंग है। पजेसिव एडजेक्टिव से पहले भी अगर आप ए और एन लगाते हैं तो भी आपका रोंग है। जैसे मैं लिख दूं, सीमा इज माई सिस्टर, देखो यहां पर समझने की जरूरत है ये पजेसिव एडजेक्टिव है या नहीं, बताओ। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये प्रोनाउन कभी नहीं कहलाएगा, प्रोनाउन माई कभी नहीं होता है। माइन क्या होता है स्टूडेंट से, कि प्रोनाउन होता है, माई कोई प्रोनाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्रोनाउन, इसको मैं एडजेक्टिव क्यों मान रहा हूं, क्योंकि माई क्वालिफाई किसको कर रहा है, सिस्टर को कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्वालिफाइंग वर्ड जो होते हैं ना वो हमेशा क्या माने जाते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ही माने जाते हैं, तो मैं इसको एडजेक्टिव कहूंगा। आप लोगों ने आज तक खूब पढ़ा होगा कि माई को पजेसिव प्रोनाउन पढ़ते थे हम सब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन निकाला था उसमें माई पढ़ा था। बेटा प्रोनाउन माइन होता है, माई नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और अगर मान लो ये सेंटेंस आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे आया था, सीमा इज माई सिस्टर, अगर आपको ऐसे दिया हुआ आया था तो भी मैं आपको बता दूं ना तो पजेसिव के बाद में कोई आर्टिकल आता है और ना ही पजेसिव के पहले कोई आर्टिकल आता है। आई होप आपको यहां तक का पार्ट समझ में आया होगा मेरा। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं। पजेसिव अपने समझ में आया। नेक्स्ट अपना बनता है स्टूडेंट से अपने डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने पढ़े होंगे। इनके बाद भी जो नाउन आता है उसके साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मान लो कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया हुआ आ रहा है, क्या दिया हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव दिया हुआ आ रहा है आपको। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज और दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं पर इनको। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ना, ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन में ही बनते हैं। लेकिन एडजेक्टिव कैसे होता है, मैंने अभी आपको समझाया था, एडजेक्टिव कब होता है जब वो क्वालिफाई कर रहा हो। जैसे यहाँ पर माई सिस्टर है, ठीक है, तो माई यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद मान लो कोई नाउन आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो उस नाउन से पहले अपन ए और एन का यूज नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ आप लोगों को नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया आई लाइक, ये मैंने लिख दिया दिस और ब्लैंक दे दिया पेन। अब समझ रहे हैं यहाँ पर आई लाइक दिस पेन, ये पूरा सेंटेंस अपने आप पे देख लो चाहे से आप, कि मैं, मुझे ये पेन क्या है साहब पसंद है। तो यहाँ पर देखो ये दिस जो है ना वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखना, मैं ऐसे बोल दूं कि दिस और ब्लैंक दे दूं और यहाँ पर आप लिख दूं पेन इज माइन,
अब देखो यहाँ पर दिस दे रखा है और दिस के तुरंत बाद में क्या आ रहा है, पेन जो एक नाउन है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है दिस, इसको संकेत कर रहा है कि ये पेन मेरा है, इसका मतलब पेन की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पेन कौन सा पेन है, ये पेन मेरा है, संकेतवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण मतलब डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन से पहले कोई एडजेक्ट कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस मान लो स्टूडेंट ऐसे आ जाए कि दिस इज, और मैं यहां पर बोल दू ब्लैंक दे दू गुड पेन, क्या दे दू मैं गुड पेन, देखो यहां पर देखना आप समझने की जरूरत है। देखो दिस के तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, अब की बार दिस के तुरंत बाद में नाउन नहीं आ रहा है। यहां पर देखो दिस के तुरंत बाद में पेन आ रहा था, यहां पर दिस के तुरंत बाद में पेन आ रहा था, लेकिन अब की बार दिस के तुरंत बाद में क्या आ रहा है, इज आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप चाहें तो ए और एन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा, तो यहां पर ए कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोल दूं मैं कि दिस इज ब्लैंक माई पेन, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप यहां पर किसी आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। मैंने लिखा दिस इज, देखो दिस के तुरंत बाद में नाउन नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पेन से पहले माई आ रहा है, तो क्या माई से पहले आप ए और एन का यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि पजेजिव एडजेक्टिव से पहले और बाद में कभी क्या नहीं होता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, तो ये पजेजिव हो तो यहाँ पर किसी का यूज नहीं होगा। इस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर इसके बाद में अपना आता है कि अपने मान लो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दिया हुआ जाए, क्या दिया हुआ जाए स्टूडेंट्स, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दिया हुआ जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक वाचक विशेषण, ठीक है। देखना अब इसमें कौन कौन से आते हैं अपने, एक तो आता है ईच, एक आता है अपना एवरी, कौन सा आता है साहब एवरी, ऐसे अपना आता है आइदर, और एक अपना कौन सा होता है स्टूडेंट से नाइदर। समझने की जरूरत है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के तुरंत बाद में मान लो कोई नाउन आ रहा है, तो मैं बताता हूं उस नाउन से पहले आप ए और एन का यूज अगर आप करते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहां पर भी आप यूज नहीं कर सकेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल दे दूं, मैंने लिख दिया ईच और ये ब्लैंक दे दिया, और मैंने लिख दिया बॉय इज स्मार्ट, ध्यान देने की जरूरत है, ईच ब्लैंक बॉय इज स्मार्ट। देखो यहां पर ईच वर्ड दे रखा है और ईच के तुरंत बाद देखो नाउन दे रखा है, तो ईच के बाद आने वाले नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, यहां तक का जो मेरा रूल है, आई होप आप लोगों के बिल्कुल फिट बैठ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इन रूल्स में आप कभी मात मत खा जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा काम है। तो आज आपका जो होता है स्टूडेंट से, ठीक है, ए और एन का यूज कहाँ नहीं होता है वो वाला पार्ट मैंने कंप्लीट किया। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है, दे का यूज पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि दे का यूज कहाँ नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने स्टूडेंट्स सॉरी अपने साथी स्टूडेंट्स को भी आप क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि वो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस से क्या हो जुड़े और ज्यादा से ज्यादा क्या उठाएं, इसका बेनिफिट उठाएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें जिससे ज्यादा लोगों के पास ही पहुंच सके, ठीक है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।